हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4। 4.4 में बच्चों हम लोग को माइनर्स एंड को फैक्टर्स पढ़ने हैं डिटर्मिनेंट पे। तो बच्चों जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है उसमें 4.2 में तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं, 4.3 पे हम लोग को पढ़ाया जाता है एरिया ऑफ ट्रैंगल व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। बट अब हमें 4.4 में क्या पढ़ना होता है कि माइनर्स क्या होते हैं और को फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवेन है, मतलब ये पॉसिबल है कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी कंपल्सरी, मतलब ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस के लिए कि आपको जो डिटर्मिनेंट गिवेन होगी, सॉरी मैट्रिक्स जो गिवेन होगी उस मैट्रिक्स में क्या होगा, 2x2 के एलिमेंट्स होंगे या तो 3x3 के एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों माइनर्स देखिए क्या होते हैं, माइनर्स क्या कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले M11 फाइंड करेंगे क्योंकि 4 फाइंड होंगे, एक M12 फाइंड होगा, एक 21 फाइंड होगा, एक 22 फाइंड होगा। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे बच्चा कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी। फिर बच्चों इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है, सी। M21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, बी। M22 का मतलब है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू ए। तो इन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, माइनर्स, क्या बोलते हैं, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, सॉरी क्या बोलते हैं, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से सेम निकालेंगे तो कितने फाइंड होंगे बच्चों, एक तो होगा M11, 12 एंड 13, ठीक है, और सेकेंड फाइंड होने वाला है M21, 22, 23 एंड नेक्स्ट फाइंड होने वाला है M31, 32 एंड 33, ठीक है। यानी इसमें 9 फाइंड होने वाले हैं और 2x2 में 4 फाइंड होते हैं माइनर्स। तो बच्चों जब हम 1-1 को हाइड करेंगे, यानी 1-1 को हाइड करना, 1-1 का मतलब है वन रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, 5945 माइनस 48 देखिए, ठीक है। अब 1-2 का मतलब है आप इसे हाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4936 माइनस 7642, ठीक है। फिर इसमें आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस 35, क्लियर बच्चों। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड वाले को हाइड करिए बच्चे ऐसे, ये देखिए इस टाइप से, तो कितना हो जाएगा, 2918 माइनस 8324, 22 को तो जाएगा 9 माइनस 7321। फिर नेक्स्ट वो हो जाएगा 1888 माइनस 14, क्लियर बच्चों। अब आएगा 31, तो 31 यानी फर्स्ट ईयर, तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 15, 32 में बच्चे हो जाएगा 6 माइनस 12 एंड 5 माइनस 8, तो ये बच्चे हो गए माइनर्स, क्लियर। ये 2x2 के लिए माइनर्स हैं और ये 3x3 के लिए माइनर्स हैं, क्लियर बच्चों। ये 2x2 के लिए माइनर्स, ये 3x3 के लिए माइनर्स हो गए। अब बच्चों इसमें कोफैक्टर्स निकालना होता है, माइनर्स के बाद क्या फाइंड करना होता है, कोफैक्टर्स। तो बच्चों कोफैक्टर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो यहाँ पर कोफैक्टर्स फाइंड करना होता है तो ये इन पे अल्टरनेट, देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे 2x2 के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बट वाई, पोजीशन क्या होती है आप जानते हैं इसकी, किसी भी मैट्रिक्स की जो पोजीशन होती है वो होती है यहाँ 1-1 एलिमेंट्स, 1-2, 2-1, 2-2। तो देखिए यहाँ पर ये जो सम है इनका 1 एंड 2, तो ये ऑड नंबर है इसलिए निगेटिव पोजीशन है,
यहाँ पे 2 1 है तो ये भी इनका सम कितना है, और यहाँ पे भी क्या है निगेटिव पोजिशन, बट 1 1 इवन, 2 2 इवन, तो इन्हें बोलते हैं इवन पोजिशन और इन्हें बोलते हैं ऑड पोजिशन। तो जो इवन पोजिशन है यानी जो इवन है वो पॉजिटिव होती हैं और जो ऑड है वो निगेटिव होती है पोजिशन। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये 1 और 2 ऑड है, 2 1 ऑड है, 2 2 इवन है, 1 1 इवन है, तो हम इसे फिर ऐसे लिखते हैं बच्चों, -1 की पावर 1 प्लस 1। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए तो कितना आ जाएगा डी, यानी वैल्यू प्लस हो गई और डी आ गया। अब यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस 2 तो बच्चों फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कितना आ गया सी, तो यहाँ वैल्यू आ गई -C। ठीक है, अब 2 और 1 तो 2 और 1 पे कितना आ जाएगा बी, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी बी, ये वैल्यू आ जाएगी -B। एंड 2 2 पर बच्चों 2 एंड 2 ए, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ए। तो बच्चों ये हो गए कोफैक्टर्स 2 बाई 2 के लिए, क्या हो गए कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों ये जो 3 बाई 3 का है इस पे हमें डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें क्या करना होता है, इन पे हम इन्हीं से कर सकते हैं को फैक्टर्स फाइंड आउट, हम इन्हीं से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देखिए 1 प्लस 1, इसमें तो मेथड दूसरा है, इसमें 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 बच्चों इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। 1 प्लस 2 यानी ऑड, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू माइनस लगा देंगे बच्चे। 1 और 3 यानी इवन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देखिए 2 और 1 क्या हुआ ऑड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा माइनस। 2 2 यानी इवन, ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव। 2 3 ऑड यानी यहाँ पे क्या आने वाला है निगेटिव आने वाला है, क्या आने वाला है निगेटिव। तो ऑड पोजिशन जो होती है बच्चों, जो इवन होती है वहाँ पर पॉजिटिव पोजिशन आती है, और जो ऑड होती है वहाँ पे क्या आता है बाहर निगेटिव साइन आता है। इसी तरीके से 3 1 इवन यानी पॉजिटिव होगा, 3 2 यानी निगेटिव होगा, और 3 3 यानी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये हो गए कोफैक्टर्स इसके लिए, अब इनको वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ से -3, यहाँ पर आ जाएगा -6 तो यानी +6, यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -6 तो +6 हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12, और यहाँ पर आ जाएगा -6 यानी +6, और इस पर बच्चे आ जाएगा -3, और इस पर आ जाएगा -+6, और इस पर -3, तो देयर आर टोटल 9 कोफैक्टर्स एंड देयर हियर आर ओनली 4 कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, बट इस पे जो है ऑल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बच्चे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने का मेथड होता है। अब हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक में पहुँचते हैं, इसी पर क्या है देखते हैं 4.4 एक्सरसाइज में आगे का टॉपिक क्या है हमारे पास। बच्चों आगे का टॉपिक है 4.4 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बाद है 4.4 माइनर्स एंड कोफैक्टर एडजॉइंट।
बच्चों अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों लेट करते लेट आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन। बच्चों ऑर्डर क्या होनी चाहिए, 2 बाई 2 की या 3 बाई 3 की होनी चाहिए, या तो 2 बाई 2 की होनी चाहिए या तो 3 बाई 3 की होनी चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देन को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बच्चों डिनोट करी जाती है ए इक्वल टू कैपिटल ए आई जे एन इंटू एन। बच्चों ये भी ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। वेयर बच्चों ये जो ए आई जे है, ए आई जे वो है कोफैक्टर्स ऑफ। तो बच्चों मैं इसे कोफैक्टर्स के लिए सी कर देता हूँ, सी बोल देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा वेयर सी आई जे कोफैक्टर्स ऑफ गिवेन मैट्रिक्स, ठीक है। और वो भी बच्चों कोफैक्टर्स के साथ साथ कोफैक्टर्स ऑफ गिवेन मैट्रिक्स इन द ट्रांसपोज फॉर्म, ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ट्रांसपोज क्या होता था, ट्रांसपोज होता था कि आप रो को किस में सेट कर देते थे, कॉलम में सेट कर देते थे, किस में सेट कर देते थे, कॉलम में सेट कर देते थे। याद आया, ये लिखा है ना कोफैक्टर्स ऑफ द गिवेन मैट्रिक्स इन द ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमें रखने तो हैं इस पर मैट्रिक्स के अंदर किसको, एडजॉइंट ए को, लेकिन किस फॉर्म पे, ट्रांसपोज फॉर्म पे रखने हैं। बच्चों किस फॉर्म पे रखने हैं, ट्रांसपोज फॉर्म पे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप उसे रो फॉर्म पे दे देंगे तो वो आ जाएगा जॉइंट, वो होगा जॉइंट ए। बट हमें निकालना है एडजॉइंट ए तो हम इसे किस फॉर्म पे लिखेंगे, ट्रांसपोज फॉर्म पे लिखेंगे। तो बच्चे देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं पहले। बच्चों एग्जांपल है यहां पर, हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज दैट गिवन है 1, 2 और 3 एंड 4, ये 2 बाई 2 की है बच्चों, और फाइंड करना है हमें एडजॉइंट ए, ठीक है। क्या फाइंड करना बच्चों, एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करे गए थे, हम लोग ने इसको क्या निकाला था, C11 यानी -1 की पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों 4 बचा, तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, C12 -1 की पावर 1 प्लस 2, तो दिस इज 3, तो ये हो गया -3। फिर आ गया C21 -1 की पावर 2 प्लस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 ईयर, देन -2 एंड C2N2, तो -1 की पावर 2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देन 1। तो बच्चों ये आ गया -1। अब ये आ गए कोफैक्टर्स। बच्चों इसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जब हम लिखते हैं बच्चों तो क्या होता है, ट्रांसपोज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब ये हो गया बच्चे, इसका ट्रांसपोज देखिए, ये 1-1 है तो यहाँ पर होगा, फिर 1-2 है तो यहाँ पर लिखा जाता है, तो इनका ट्रांसपोज क्या होगा, इसको रिवर्स करके लिखना होगा, क्या लिखना होगा, रिवर्स करके। तो ये जो एडजॉइंट ए है इसमें क्या लिखना पड़ता बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज
फॉर्म पे लिखना होता है। ट्रांसपोज फॉर्म का मतलब है फोर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस थ्री यहाँ आ जाएगा, माइनस टू यहाँ आ जाएगा और वन यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों ये किस फॉर्म पे लिखी जाती है? ट्रांसपोज फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक सी दिख रही है, यहाँ पर इनका जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो गया। देखिए ये एलिमेंट चेंज हो गए, देखिए वन फोर फोर वन हो गया और सिर्फ इनका साइन चेंज हुआ है। तो इन वाले एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस टू माइनस थ्री आ गया और ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई, यानी ये रिवर्स हो गए हैं और इनका साइन चेंज हो गया। क्लियर बच्चे? तो ये है टू बाई टू का। ऐसे बच्चों अब हम थ्री बाई थ्री का निकालते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों नेक्स्ट, ए इक्वल टू, अगर हमें कोई ये लेट कर ली कोई मैट्रिक्स गिवन है थ्री बाई थ्री की, वन टू थ्री माइनस टू माइनस फोर टू फोर वन थ्री। तो बच्चों यहाँ थ्री बाई थ्री की ले ली मैट्रिक्स। अब हम इस पे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे फर्स्ट। तो कोफैक्टर्स में सबसे पहले क्या फाइंड होगा, सी वन वन। बच्चों इस तरीके से लिखेंगे तो बोर्ड की राइटिंग बहुत अच्छी आती है कॉपी पे और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे, फिर टू वन टू 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 थ्री, इस टाइप से आप अपनी कॉपी के पेज को डिवाइड कर लेंगे, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। तो बेटा ये नाइन हो गए कोफैक्टर्स। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ये देखिए वन वन यानी इवन, इन दोनों का सम इवन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये वन और टू सम क्या होगा, ऑड, ऑड नंबर पे ये निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर वन थ्री इवन यानी पॉजिटिव, तो ऐसे बच्चे ये निगेटिव आएगा, इस पर ये पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर ये निगेटिव आ जाएगा। ऑड नंबर है, ये ऑड पोजिशन हो, इवन 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 तो ये पॉजिटिव, ये ऑड, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए पहले सबसे पहले वन वन इसको आप छिपा लीजिए, तो माइनस फोर माइनस ट्वेल्व और माइनस टू, माइनस ट्वेल्व माइनस टू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसे हाइड करेंगे, तो माइनस का सिक्स फोर टू जाए एट, माइनस सिक्स माइनस एट। अब इसको कर लेते हैं तो माइनस टू प्लस सिक्सटीन, बच्चों यहाँ पे टू वन, तो देखिए ये टू और ये वन, तो टू थ्री जा सिक्स माइनस थ्री। फिर बच्चों इसको हाइड करना है तो थ्री माइनस ट्वेल्व, थ्री माइनस ट्वेल्व। फिर इसको हाइड करना है तो वन माइनस फोर टू जा एट, वन माइनस फोर टू जा एट। अब थ्री वन पे टू टू जा फोर प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व। ठीक है, अब इसको हाइड करें तो टू और टू थ्री जा सिक्स यानी प्लस सिक्स। और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर प्लस फोर। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस फोर्टीन। ठीक है, और यहाँ पर प्लस फोर्टीन। ठीक है, देखिए इस पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस थ्री माइनस नाइन और ये हो जाएगा सेवन, और ये वैल्यू हो जाएगी फोर्टीन सिक्सटीन और ये हो जाएगा माइनस एट और ये जीरो। तो बच्चों इसके ये कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स के बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चों, इसे एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और हम इसका ट्रांसपोज फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म पे बच्चों, ट्रांसपोज फॉर्म पे लिखने वाले हैं, ट्रांसपोज फॉर्म पे। तो ट्रांसपोज फॉर्म में आएगा माइनस फोर्टीन फोर्टीन फोर्टीन, माइनस थ्री माइनस नाइन, सेवन सिक्सटीन, माइनस एट एंड जीरो। तो ये बच्चों हो गया इसका एडजॉइंट ए। क्लियर हुआ, आ गया बच्चों समझ में, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट गई
ये 3x3 के लिए था, लास्ट वाला 2x2 के लिए था। अब बच्चों हम लोग के पास इसमें एक फॉर्मूला दिया जाता है कि ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। यानी देखिए बच्चों, इस पर हम लोग के पास एक फॉर्मूला बनाया गया है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, देखिए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला है बिकॉज वी हैव ए इंटू एडजॉइंड ए, ठीक है बच्चों, और इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए इक्वल टू होता बच्चों डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसको ए इंटू एडजॉइंड ए इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है, क्या ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। देखिए अगर हम किसी भी, पहले ये कहें कि इस फॉर्मूले को वेरिफिकेशन कर दें या वेरीफाई कर दें किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अज्यूम कर लें और उसके लिए फॉर्मूला पहले वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों हमने लेट किया कि ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 है, ये कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ये हमने लेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लें या बाद में निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे पहले एडजॉइंड ए निकालें। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं C11 -1 की पावर 1 प्लस 1 1 एंड 1 4, बच्चों 4 आ गया। C12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 -3 2 1 -1 की पावर 2 प्लस 1 2 और 1 बेटा 2, तो ये वैल्यू हो गई -2 एंड 2 -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी 2 एंड 2 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एडजॉइंड ए फाइंड हो गया ट्रांसपोज फॉर्म पे। तो ट्रांसपोज फॉर्म हम इसकी लिखेंगे, ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं तो आएगा 4 -3 -2 1। देखिए ये क्या हुआ, ये इंटरचेंज हो गया और यहाँ माइनस आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हमें ए इंटू एडजॉइंड ए निकालेंगे, तो ए इंटू एडजॉइंड ए का मल्टीप्लाई। तो बच्चों ए हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, और इंटू एडजॉइंड ए कितना हमारे पास, 4 -2 -3 1। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट से 4, सेकंड का सेकंड से 3, 2 जा 6 -2, 2 1 जा 2 3, 4 जा 12 4, 3 जा 12 एंड 3, 2 जा 6 और यहाँ पर -+4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2, 0, 0 एंड -2, तो -2, 0, 0, -2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम -2 कॉमन ले लें तो कितना बन सकता है, इसे कितना लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं और ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर -2 कॉमन लिया गया तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, 0, 0 और 1, ठीक है, और ये बन गई i। तो -2 और इसे क्या कर लें, i लिख सकते हैं क्योंकि ये i2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। क्या आप ये चेक करें कि ये वैल्यू -2 क्या डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है क्या, चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट a, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, 3, 2, 4, तो इसका डिटर्मिनेंट ए आएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी 4 -3, 2 जा 6 यस बेटा -2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2। तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंड ए
ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। अब सिमिलरली हमें क्या वेरीफाई करना होगा, सिमिलरली नहीं लिखना बोर्ड के पेपर में बच्चों, पूरा करके दिखाइएगा। अब हमें करना होगा, अभी मैंने ए इंटू एडजॉइंट ए किया था, अब एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो सेम योर बच्चे डिटर्मिनेंट ए आई आएगा, तो आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई होता है। तो ये बच्चों पेपर में स्कूल एग्जाम में केवल वेरिफिकेशन के लिए आता है, चाहे भले वो 2x2 का हो या 3x3 का हो। ठीक है बच्चों, आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए अब आता बच्चे इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोला जाता है इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, और बेटा दूसरा केस होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है कंडीशन कि इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल नॉट जीरो, तो बोली जाती है कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में नया टॉपिक दिया गया हुआ है, तीसरा फॉर्मूला है बच्चों इस पर, अभी हम लोग ने निकाला है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। तो बच्चों हम इसी से अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें, क्या ले लें बच्चों, डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए और यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट और यहाँ पर आई, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1, और इसमें तो डबल डिटर्मिनेंट तो होएगा ही नहीं, कांस्टेंट होगा वो तो उतना ही रहेगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये पावर है ऑर्डर पे बेस्ड करेगी, कितने भी डिपेंड करेगी ऑर्डर पे, तो बच्चों यहाँ पर इसकी ऑर्डर कितनी होगी n, कितनी होगी ऑर्डर n इंटू n है, तो ये डिटर्मिनेंट a की पावर n आएगा, अगर 3 रो 3 कॉलम है तो कितना आएगा 3, डिटर्मिनेंट कितने आएंगे, यानी ये जो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर अगर हम डबल यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी n टाइम्स, यानी अगर n ऑर्डर है, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n और ये 1, और इसे डिवाइड कर दें तो क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1।
इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक ये बेसिक फॉर्मूला मिला बच्चों कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता बच्चों ए डिटरमिनेंट एन माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इस पे सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टू एडजॉइंट करेंगे बच्चों, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, तो अगर डबल एडजॉइंट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एन टाइम्स करते चले जाएं, या एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए कर दें थ्री टाइम्स, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल क्यू, ठीक है। इज़ अ इम्पॉर्टेंट फार्मूला एन सी आर टी के लिए और वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ये बच्चों इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा फार्मूले पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रही है मतलब वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे एन सी आर टी पे। अब है बच्चों आगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अच्छा डी केस है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। लेट कर लेते हैं, लेट आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर एन, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो बच्चों हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ए से डिवाइड मार देते हैं, क्या मार दें, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगी वन अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, राइट, और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इनटू ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों लेट आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर एन एंड बी इज मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ गया, क्या आ गया बच्चों, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो हम इस पे कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू आई, तो यहाँ लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स आई लिख सकते हैं, यानी बी इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स। इसी तरीके से बी इक्वल टू अगर आई लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स आई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी एंड एन टी, यानी बी इज़ द ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए,
तो यानी इस कंडीशन पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड होती है कि ए बी का इन्वर्स हो और बी ए इन्वर्स हो, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई आता है तो हम उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके लिए फॉर्मूला अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है ए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए दिस वन। और अगर हम कहें बच्चों कि अगर ये आई के इक्वल है, ध्यान से देखिए ये आई इक्वल है, अगर हम ये कंडीशन को मैच करा दें, इसमें से एक एक कट ले लें, ऐसे ले लेते हैं ए इंटू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए राइट और इक्वल टू आई ले लेते हैं, और यहाँ पर हो गया वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए ठीक है और इंटू ऑफ ए इक्वल टू आई। तो बच्चों ये जो वैल्यू है वो बी इनवर्स की हो गई ना, क्या हो गई बच्चों वैल्यू, ये बी इनवर्स की हो गई। ठीक है, यानी ये वैल्यू बी इनवर्स की हो गई और ये वैल्यू किसकी इनवर्स की हो गई, यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ये वैल्यू यहाँ पर लाइक देखे ना ए इंटू बी इक्वल टू आई और बी इंटू ए इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन आपको मिल रही है इस फॉर्मूले से। तो बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन मिल गई है, ये हो गया ए और यहाँ हो गया बी इक्वल टू आई और यहाँ हो गया बी इंटू ए इक्वल टू आई। तो यहाँ पर बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, वेयर बी इक्वल टू मिल गया हमें वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो बी क्या है बच्चों, इस पर बी है ए इनवर्स, तो यानी हमें साथ में ए इनवर्स का भी फॉर्मूला मिल गया। तो यानी इनवर्स देखिए ये इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है। और ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर इनवर्स के लिए, ये किस कंडीशन के लिए है, इनवर्स मैट्रिक्स के लिए है। ये इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो अब मैं आपको इसको एक बार ओके करता हूँ कि इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ तो हम लोग ने प्रूव किया हुआ है, ठीक है, वेरीफाई किया हुआ है। तो अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है कंडीशन। तो फॉर इन्वर्टिबल आपको लिखना है और फिर इनवर्स के लिए क्या लिखना है, तो देखिए मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए आपको लिखना है फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखिए फॉर इन्वर्टिबल इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई ए, ठीक है, तो आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। वेयर बी क्या है बच्चों, बी क्या है, ए इनवर्स है एंड ए क्या है, बी इनवर्स है, यानी इसी मैट्रिक्स का इनवर्स है। और बच्चों यहाँ पर लिखा क्या जाता है कि ई पॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी हम लोग ने प्रूव किया था, तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो अब अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का तो क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसका फिर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि 6-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, और इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आता है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई का वेरिफिकेशन कर दीजिए। ठीक है, अब वेयर बी कहाँ से लेकर आएंगे, उसका इनवर्स है और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की, पहली प्रॉपर्टी होती है कि के इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू होता है के ए इनवर्स। पी टू होता बच्चों कि अगर ए प्लस बी का इनवर्स है तो डायरेक्टली सीधा ओपन होता है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। पी थ्री में होता बच्चों कि ए माइनस बी का इनवर्स है तो होता है ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। बट पी फोर है बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो ये ओपन होता अपोजिट बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी रिवर्स ओपन होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम होता है कि अगर ए बी सी का इनवर्स हो तो
तो क्या इन्वर्स होगा, ओपन होगा, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, ये रिवर्स खुलता है। तो बच्चों कभी कभी पेपर एग्जाम में इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरीफाई करिए, मतलब इसमें से एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वेरीफाई करिए, ए एंड बी 2 मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की है, ए एंड बी मल्टीप्लाई फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, एल एच एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एच एस आ जाएगा। तो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको इन्वर्स निकालना, फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, और मैंने इसके पहले जो भी एनसीईआरटी की डिटर्मिनेंट की वीडियोस आपको अपलोड करी हैं वो देखता हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, फिर मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए।